नहीं पता, बट तब भी नहीं किसी से कुछ पूछ रहा कि कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं। भाग 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 भाग। अरे अरे अरे, देखा गाइस ये होता है अगर आप ध्यान ना दो तो। इसको ना अकेला हूँ यार, कोई नहीं है, देख लो कोई ना है, अकेला हूँ, सिर्फ इंसान रास्ता है। डर नहीं लग रहा यार ऐसे कभी। अरे यार देखो गाइस पानी, बाप रे बाप, बहुत ठंडा है। तो अभी हम लोग भी गया गाइस, ये देखो चोट लग गया, स्लिप कर गया पैर मेरा। हम पहुंच गए, हार्दिक स्वागत करता है यार आपका, आ रहा हूँ बाबा। या सामने ठीक विराजमान भगवान है मेरे। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, एंड स्वागत है मेरे आपको न्यू भरे मस्ती भरे व्लॉग में। एंड हम लोग ने 5 मिनट का ट्रैवलिंग कर लिया, एंड 18 किलोमीटर और बाकी है। रुक जा भाई, 18, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ ठीक है 18 किलोमीटर सही बोला मैंने मैथ सीख है। सो गाइस मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट करते हुए, एंड काफ़ी ज़्यादा थके हैं बट मज़ा आ रहा है ट्रैवलिंग में। उतना भी थके नहीं है, नॉर्मल थके हैं भाई, क्योंकि चलना है ना, तो सीधी बात है, नॉर्मल सी बात है, थोड़ी सांस फूलती है। एंड सामने का व्यू काफ़ी मस्त लग रहा है, आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ सामने का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस आप लोग रास्ता देखो यार, इतना ना स्लिप कर रहा है यहाँ पे, या आप गिर भी सकते हो। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आना तो ग्रिप वाला चप्पल या ग्रिप वाला जूते, हाइकिंग शूज ये सब लेते आना, वरना स्लिप इतना करता है ना पैर, गिर भी जाओगे आप लोग। तो हाइकिंग वाला हमेशा पहन के आना। तो गाइस यही होता है, आपको ये होता है, इन लोग के पैर स्लिप होते हैं, कहीं कहीं तो अचानक से गिर भी गए थे बेचारों को, फिर पता है मारा था इससे लाठी से, और तब उठो तब चलो यार, नहीं मतलब उठते नहीं है ना मार से भी, तो वो अवरक्ति होता है भाई, ठीक है अवरक्ति होता है, उससे जलाया जाता है उसको उठाने के लिए। यार ऐसा मत करो यार, वो तो जीव जंतु है, वो भी तो जान है उनमें भी, तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे ये निवेदन है भाई कि चलो यार, परेशान ना करो किसी को यार, एजेंट है ना भाई तो समझ भी आता है यार, पर ऐसा मत किया करो यार, बहुत दर्द होता होगा इनको भी। यार देखो फिर यही होता है यार, बेचारों को स्लिप होते हैं, गिर भी जाते, क्या बोले यार, लोगों को अपनी समझ होनी चाहिए, बट कोई नहीं, सबकी अपनी श्रद्धा है यार, किसी को पैदल जाना है, किसी को घोड़े पर जाना है, अपने क्या ही कर सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं, समझने वाला समझेगा ही। तो अभी हम निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ और दिखाते हैं आपको आगे का और कुछ कुछ। तो गाइस मैं आप लोगों को एक अच्छा सा व्यू दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर से आ रही है मस्त ठंडी ठंडी हवा यार, काफ़ी मस्त लग रहा है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा ठंडा है भाई। हाँ देख लो यार कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत क्यूट सा लग रहा है, क्यूट सा बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस निकलते हैं आगे, फिर से दिखाते रहते हैं कुछ कुछ अच्छे अच्छे मज़ेदार चीज़ें और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो देखनी चाहिए आप लोगों को, जो आने से पहले आप लोग भी सचेत रहें। तो चलिए सफर पे वही में जी जी जी, अभी तो वहीं पर यार भाई, इसका मतलब आप बिहार के हैं? जी हम बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर के सब, ये जो थे ना हाँ, मेरा से एक दोस्त था वो भी बिहार का ही है, यहाँ पे लगभग बिहार ही है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा अच्छा, आप चारों दोस्त आए हो घूमने तीर्थ यात्रा पे, आप चारों आए हो क्या? नहीं हम लोग तो 8-9। अच्छा 8-9, अच्छा वो भी सब, वाह घोड़ा नहीं कर रहे पैदल ही ना चल रहे आप लोग भी ना, देखिए हो जाएगा बाबा, बाबा का नाम लेके सब हो जाएगा, चलिए ना उनका आशीर्वाद है, इतना चलिए हर हर महादेव करते करते चलिएगा, काहे किसी 8-9 बजे तक जाएंगे, आराम से चलिए ना, क्या दिक्कत है, रुक रुक के चलिए, जैसे भी रुक गए आराम कर रहे हैं वही करिए, काहे किसी को और परेशान करना जानवर को। होटल बाबा नहीं मिलेगा, होटल का चार्ज एक दिन का 9,000 रुपया है, वो टेंट देता है टेंट, ठीक है टेंट वो मिल जाएगा, आप मेरा नंबर ले लो, आप ऊपर जब पहुंच जाओगे ना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं कल भी हूँ और आज भी हूँ, तो मैं आपको वहाँ हेल्प कर दूंगा, वहाँ केदारनाथ ऊपर, केदारनाथ में ऊपर। अच्छा अच्छा, हाँ तो आप मेरा नंबर ले लो, अगर आप ऊपर पहुँचोगे ना कोई रूम भी चाहिए होगा तो हम बात कर लें, हम लोग बात कर रखे हैं वहाँ पे टेंथ के लिए, चादर वादर सब लाए हैं ना ओढ़ने, वो कम लेता है बाबा 200-300 रुपया 400 रुपया टेंट होता है ना, ऐसे ही टेंट होगा उसके अंदर आपको रहना होगा। जी जी हाँ हाँ, बाबा का नंबर दे देता हूँ, ठीक है बाबा चलते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, आइए आराम आराम से आपको आइएगा, नंबर दे दिया बाबा, कॉल कर लेना, ठीक है चले चलिए चलिए, सॉरी। हर हर महादेव।
गाइस रास्ता ऐसा है और रात होने के कारण दिखाई भी कम दे रहा है। अब रास्ता ये पूरा स्लिप हो रहा है, कहीं भी स्लिप हो जब हो जाएगा। एंड रात होने के कारण थोड़ा कम भी दिखाई दे रहा है एंड ठंड भी बढ़ती जा रही है अब धीरे धीरे। और दिखाते हैं आपको आगे का। कभी आप आओ केदारनाथ तो याद रखना भाई, ये मत सोचना कि गर्मी है तो यहाँ भी गर्मी होगी, यहाँ पे मौसम का कोई ठीक नहीं है। आगे क्या होगा क्या नहीं, तो कभी भी आओ तो सोच समझ के आओ, सही सलामत आओ। ठंड बढ़ रही है अब आगे, लग रहा है कपड़ा पहनना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब गाइस हम लोग निकलते हुए रेनकोट पहनते हुए, तो मैं व्लॉग ले रहा हूँ यार। सो हम लोग अब रेनकोट पहन के निकल रहे हैं बाबा की तरफ। ये बारिश हो रहा था ना, बिग जग जाए थे, बीमारी में पड़ जाते। तो रेनकोट ने हमने पहले खरीद लिया। आप कभी भी केदारनाथ आओ तो भाई पहले ही रेनकोट खरीद लो, क्योंकि दिख भी नहीं रहा कुछ। तो जा रहे हैं मोड़ के पास, आगे रुका हुआ है एंड तो निकलते हैं। आ रहे साला बाप, आ रहे आ रहे, कौन बड़े बाप रे बाप, ये पागल है बाप रे, ये भयंकर भागता है। तो गाइस कभी भी केदारनाथ आओ एक बार याद रखना रेनकोट पक्का ले लेना, है ना, दिक्कत हो जाएगा। तो गाइस बारिश हो और सफ़र में पहाड़ हो और हाथ में मैगी हो तो बात ही कुछ अलग होती है यार, बहुत मज़ा आ रहा है मैगी खाने में। गाइस जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है यार, कस के बहुत ठंडा लगने लग रहा है। अब देखते हैं अगर कम नहीं हुआ ना तो जैकेट पहन लेंगे। तो गाइस कुछ दिखाता हूँ, ये देखो यार इतना तेज़ है बारिश का बहाव के कारण, बहुत तेज़ी से आ रहा है यार, बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है, क्या बोले। बट जो ही बोले यार मज़ा बहुत आ रहा है, जो बात है मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, मस्त लग रहा है, थकावट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों एक तरीके से एनर्जी आ जाता है यार। ये तो मैं पापा उठा देते सुबह दौड़ने के लिए, मैं एक किलोमीटर दौड़ता था उसमें थक जाता था, पर आज पता नहीं कैसे मैं चल पा रहा हूँ, उतना ट्रैकिंग कर पा रहा हूँ। लिटरली यार यहाँ पे ना अलग टाइप का एक काइनेटिक एनर्जी मान लो आप है जो प्रोवाइड करता है एनर्जी। तो गाइस ऊपर चले हो गए दो ढाई घंटे अकेले, पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ ऐसा जो माइंड ब्लोइंग है, कुछ भी कहो यार। ओके देखो यार, सॉरी क्या लाइट फिंगर आ गया होगा। गाइस देख लो यार क्या बहाव है, क्या स्पीड है, कितना स्पीड से जा रहा है यार, कितना स्पीड से जा रहा है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, मेरा कितने बार पैर उड़ते उड़ते बचा है। तो कभी भी आओ तो जैसे एक चढ़ानी होती है ना भाई, मतलब कि ऐसे चढ़ना है तुमको, तो ये लस्सी को ना ऐसे रुकना, तो क्या होता है लोग रुकता है ना तो पीछे ढुल जाता है, और अगर ये है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ अगर बैकवर्ड है तो पीछे रखना लकड़ी को, पीछे रखना क्योंकि बैक से सपोर्ट आएगा, उसमें फ्रंट से सपोर्ट आएगा। सो गाइस मैं भी निकल गया, काफ़ी है देखो पूरा सुनसान है, बहुत कम लोग हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं। पता है यार एक सफ़र से ना चार घंटे से अकेले चल रहा हूँ, मोहित को काम था, मोहित बोला मोहित को आज पहुँचना था, तो मोहित मैंने तू जा मैं आराम से व्लॉग लेते लेते आऊँगा। भाई इस चार घंटे के सफ़र में ना मैं एक बार भी बोर नहीं हुआ यार अकेले, कुछ ना कुछ करते करते सब कुछ समझते समझते चल रहा हूँ, थक रहा हूँ रुक रहा हूँ, थक रहा हूँ रुक रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ ये करते हुए चल रहा हूँ। पता है पर इस सफ़र में ना एक चीज़ समझ आया यार सच में, ये नहीं कि इंस्टाग्राम या ये ब्लॉग के लिए या उसके लिए कुछ कह रहा हूँ यार, मैं कसम से अगर खुद को जान लिया ना भाई कभी बोर फील नहीं होगे कहीं भी जाने के लिए। चार घंटे हैं भाई मेरे को अकेले चल रहा हूँ मैं, यहाँ पे लोग ट्रिप प्लान करते हैं दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते हो जाते, मेरे को नहीं लगता यार अगर तुम अपने आप को समझ जाओगे ना कोई नहीं चाहिए तुमको, यू नेवर वॉन्ट समवन टू गो विथ यू, यू ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू गो विथ एनी वेयर यार, हमेशा अकेले जाओगे, हमेशा फिसल रहा हूँ गिर रहा हूँ उठ रहा हूँ जा रहा हूँ, फिसल रहा हूँ गिर रहा हूँ उठ रहा हूँ जा रहा हूँ, यही हो रहा है मेरे साथ, बट मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। सो गाइस लुक एट दिस, ठंड बहुत बढ़ गई है, अब मेरे को ये पहनना पड़ा, पैर भी बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे हैं, बारिश फिर स्टार्ट हो गई, फिर पहनना पड़ा, बहुत ठंड हो रही है पूरे। मैंने कपड़े खोले, टाइम हो रहा होगा 6:30 घंटे हो गए, 6:30 नहीं 6 घंटे होने वाले होंगे मेरे को चलते चलते, और मैं पता नहीं कितना दूर हूँ भगवान से, बाबा से, केदारनाथ से नहीं पता, बट तब भी नहीं किसी से कुछ पूछ रहा कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, भाग 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 भाग, अरे 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 देखा गाइस ये होता है अगर आप ध्यान ना दो तो, इसको ना ऐसे ब्रेक लगाना
ठीक है, तब आगे बढ़ना अगर डाउनवर्ड में हो तो। ऐसे ब्रेक लगाना ठंड बारिश के टाइम में, स्लिप करके गिर जाओगे। ऐसे ब्रेक लगाओ तब चलो, वरना भाई गिर जाओगे। जैसे अभी मैं बच गया वरना मैं भी गिर जाता अभी। तो गाइस ठंड बहुत हो गई है, ठंड बढ़ गई है, जैसे जैसे रात हो रही है ठंड बढ़ते जा रही है यार। पता नहीं आगे क्या ठंड है, मेरे पास कपड़े हैं ज़्यादा बड़ी और तो पहन लूँगा, क्योंकि ठंड से कोई मजाक नहीं यार। ठंड अगर मार दिया ना एक बार ने, कोई है भी नहीं अभी देखने वाला मोहित को फिर। अब वो साला कहाँ है कहाँ नहीं। अरे यार देखो गाइस पानी, बाप रे बाप बहुत ठंडा है। तो अभी हम लोग केदारनाथ बाबा से कितना दूर है मुझे नहीं पता, इसलिए पूछता हूँ अब मैं कितना दूर हूँ उनसे, तब दिखाता हूँ आपको। एंड देखते हैं, खुश हूँ और मज़े में हूँ। बोलो हर हर महादेव यार, कमेंट में लिख दियो हर हर महादेव। आप भी आओ घूमो। साढ़े छः घंटे हो गए, साढ़े छः नहीं साढ़े छः घंटे 45 मिनट करीब हो गए यार। एंड आज और अभी भाई अभी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है मेरे से, सिर्फ 3 किलोमीटर बाबा। पर यार अब थक गया हूँ बहुत, अकेला हूँ यार, कोई नहीं है देख लो, कोई ना है, अकेला हूँ सिर्फ। सुनसान रास्ता है पता नहीं, पर डर नहीं लग रहा यार ऐसे। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में घूमता था ना मैं, तो डर लगता था यार। ये तो ऐसा इलाका है ना, कुछ हो भी जाए ना तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई मतलब कुछ भी हो जाए कोई और नहीं है, पता नहीं। पर डर नहीं लग रहा, अकेला बैठा हुआ हूँ 15-10 मिनट से यार। कहे कि अब पैर भाई दर्द कर रहा है, कहे कि ये पीछे वाला बैग भी मेरा 14-15 किलो का है। कहे कि ठंड का मैंने कपड़ा डाल लिया था डर के मारे, ठंड होगी वहाँ तो कब क्या पहनूंगा, फिर नज़ारे नहीं देख पाऊँगा, कुछ देर रह नहीं पाऊँगा, भक्ति नहीं कर पाऊँगा। बट हार तो नहीं मानूंगा ना यार, आज कितना चल दिए हम लोग, 19 किलोमीटर चल दिया मैं, 20, 21, 22 बाकी है, ये भी हो जाएगा यार, जल्दी दर्शन हो जाएंगे आपको, करवा रहा हूँ मैं, सब्र रखो। सो चलते हैं बाकी मंजिल की तरफ और दिखाते हैं आपको। तो अगला हम वहीं जाएंगे और दिखाएंगे आपको, क्या दिखाएंगे देखते रहिए। सो बोर नहीं ना हो रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, बोर नहीं होइएगा भाई, वेट कर लो भाइयों बहनों, बाबा का दर्शन होने वाला है आपको, दुनिया का सबसे बेस्ट, जबकि एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, सीधी बात है भाई, तुम लोग भी जानते हो, सॉरी आप लोग भी जानते हो, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकता ये सब चीज़ें। ये चीज़ें फील की जाती है, जो मैं फील कर रहा हूँ ना अभी वही मैं फील कर सकता हूँ, आप लोग फील नहीं कर सकते हो, बस मेरे ब्लॉग के थ्रू आप जो जो देख रहे हो वो से थोड़ा मोड़ा थोड़ा आपको होगा, बट अभी मैं जो फील कर रहा हूँ ना लिटरली नहीं कर सकता। सो जा रहे हैं बाबा की तरफ, अपने छोटे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बोलूँगा ना एनर्जी कम है, पहले कुछ खाया नहीं यार, एक मैगी खाया था, कुछ मिल नहीं रहा था। देखो ये नज़ारा, पूरा सुनसान, पूरा कोई ना हो कोई नहीं है, पूरा सुनसान रास्ता है, कोई एक मतलब कहते हैं ना एक खच्चर ही होता है, वो भी नहीं, सिर्फ अकेला मैं, और भी जब गिर भी गया मैं गाइस, ये देखो चोट लग गया, स्लिप कर गया पैर मेरा, थक गया हूँ यार। कोई बोलता है 3 किलोमीटर, कोई बोलता है 7 किलोमीटर, कोई बोलता है 4 किलोमीटर, पता ही नहीं कितना किलोमीटर, कोई एग्जैक्ट बताता ही नहीं है यार। पर चलते हैं मंदिर की तरफ, बहुत मन है यार देखने का बाबा को, थक गया हूँ गाइस, बहुत थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, बट जैसे हर हर माते, अरे भाई जैसे हर हर माते बोलता हूँ ना भाई, सब ठीक हो जाता है, अच्छा लगता है। फिर दो चलता हूँ, फिर नाम लेता हूँ, ऐसे ही चलता आता हूँ, ऐसे करता हूँ, यही लाइफ का एक जर्नी है अभी। बट ये लुक देखो यार, कोई नहीं है भाई, वेट अल्ट्रा वाइड में दिखाता हूँ अब, ये देखो भाई लुक यहाँ का, पता है ये पहाड़ बहुत बहुत ऊपर है, बहुत ये सामने होगा ठीक है, इस बहुत ऊपर है ये पहाड़, ये देखो ये सब ऊपर नहीं दिख रहा होगा आपको, मतलब आप मतलब देख रहे हो ना यार, आग भी जाएगा ना ऊपर तो बादल ही दिख रहा है पहाड़ पहाड़, वहाँ पे लोग कुछ आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ से, दिख रहे हैं मेरे को 4 लोग, पर अकेले मुसाफिर निकले थे, था दोस्त साथ में, पर क्या करे उसको थोड़ा काम था, जाना पड़ा उसको, क्योंकि बता ही दिया हूँ मैं आपको, पता नहीं याद भी नहीं है उसका, कुछ मन्नत था कि आज ही के आज ही पहुँचना है उसको, उसी काम चला गया। सो गाइस थोड़े दूर आ गए हैं, यह टेंट का पूरा है
टेंट पे रहते लोग यहाँ पे, और अकेला इस रोड में जाता हुआ लगता है ना भाई। एक बात है, इसने मेरा साथ दिया है पूरे सफ़र में, मेरा साथ ही यही है। मुझे लगता है ना 500 मीटर का बाद बस बस पहुँचने वाला हूँ यार, बस पहुँचने वाला हूँ। पहुँच के ना क्या होगा पता नहीं, देख के क्या फील होगा क्या नहीं मुझे खुद नहीं पता यार। देख रहे हो पूरा टेंट है, कोई नहीं, खाली खाली पूरा रास्ता सुनसान था यार। आज एक दो मिले बस, मैंने पूरा रास्ता मैंने आज अकेले कवर किया है। सोलो ट्रिप की तरह मान लो आप इसको मेरा, बट मज़ा आया। मैंने बोला ना यार खुद को जान जाओगे ना तभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस आप पढ़ सकते हो हम पहुँच गए, हार्दिक स्वागत करता है यार आपका। आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ, स्वागत मैं आप नहीं मैं कर रहा हूँ आपका। सो गाइस बता नहीं सकता कि मैं कहाँ हूँ, मैं पहुँच गया सामने थी केदारनाथ भगवान है मेरे, और सामने का लुक मतलब बाबा का दरबार काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बट समझ ही गए होगे। सो आई जस्ट इन माई ब्लॉग हियर एंड बाबा के दर्शन आपको अगले ब्लॉग में हो जाएंगे, सॉरी गुस्साइएगा नहीं। मैं मिलते हैं आपको एक मस्ती वाले अगले ब्लॉग में, काफ़ी थक गया हूँ, जा रहा हूँ टेंट लेके सोने, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।